यार हमें डायरेक्ट ऐसे डिलीवरी के ट्रक और ये सब ऐसे नहीं चलने लगे थे, डिफॉगर वगैरह शीशे में लगे हुए हैं। देखिए आप, अच्छा इमरजेंसी आप देखेंगे तो इस टाइप की जो सील ये पूरा पीछे तक दिखाता है, क्लियर दिखा देता है वो कार के जैसा फीचर। वाइन को काटोगे होता है नेक्स्ट लेवल की सीट है यार ये वापस ऊपर बैठ। इस पे स्प्रिंग है लोहे के, इसके अंदर तो लंबर सपोर्ट बोलते हैं जो कार में आता है जिससे कमर दुखती हो जाएगा। आप दिखा देंगे दोस्तों, ये अब नीचे बराबर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई लोग, भाई लोग ये जो वीडियो चालू होने वाला है, दो मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैंने क्या कर रहा था, बहुत जल्दी में था, मुझे पता नहीं दोबारा ये मिले ना मिले, तो मैं हिस्ट्री नहीं बताई थी मैंने इसकी। हिस्ट्री मतलब एक छोटी सी एक दो मिनट की जो चीज़ होती है कि डिलीवरी क्या है, आखिर कंपनी क्या है, वॉल्वो का ट्रक उसमें क्या है। तो मैंने बीच में बोला भी इसमें वीडियो में कि यार वो सॉरी मैं हिस्ट्री नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। दो मिनट में मैं आपको डिलीवरी के बारे में बता देता हूँ और एक अनाउंसमेंट और कर दूँ मैं कि हो सकता है शायद अभी कल का वीडियो तो मेरे पास है इसका सेकंड पार्ट, इसके बाद दो तीन दिन वीडियोज़ नहीं आ पाएंगे मैं, क्योंकि मुझे है ना ये कमर में क्रैम्प आ गया, बहुत ऐसा क्रैम्प आ गया कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के थोड़ा सा चल रहा हूँ। तो अगर कल तक मैं ठीक हो गया या परसों तक भी हो गया तो सुबह से कंटेंट ढूंढना चालू कर दूंगा, लेकिन नहीं हुआ ठीक तो अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा होता चलने लग जाता तो मैं कंटेंट ढूंढ लेता, लेकिन अभी थोड़ी मुश्किल होगी। तो मैं बता दूं आपको, डिलीवरी ये कि इंडियन लॉजिस्टिक कंपनी है, 2011 में दिल्ली में फाउंड हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है गुड़गांव हरियाणा में। इसके जो फाउंडर है उनका नाम है साहिल बोहरा जी, ये जो मेन MD और CEO है इस कंपनी के साहिल बोहरा जी हैं, और भी लोग हैं मैं उनका नाम बता देता हूँ आपको, मोहित टंडन, भावेश मगलानी, सूरज चरण, कपिल भारती जी, ये जो इसके सब मेंबर हैं। तो एक छोटी मोटी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार है। इस कंपनी के 85 से ज़्यादा फुलफिलमेंट सेंटर है, 38 ऑटोमेटेड सॉर्ट सेंटर, इसके सॉर्ट सेंटर भी 160 हब, 160 हब और 7500 से ज़्यादा पार्टनर सेंटर है, 3500 से ज़्यादा डायरेक्ट डिलीवरी सेंटर है, और इससे ज़्यादा भी होंगे क्योंकि बढ़ते ही जा रहे हैं। 2011 में डिलीवरी जो है इस्टेब्लिश हुई थी SSN लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अभी SSN का फुल फॉर्म बता देता हूँ, स्टैंडर्ड शिपिंग नोट, इसके नाम से इस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन 2011 में डायरेक्ट ऐसे डिलीवरी के ट्रक और ये सब ऐसे नहीं चलने लगे थे, ये लोकल में ही काम करते थे। लोकल में जैसे फूल हो गया, जैसे कोई भी सामान हो गया, खाना हो गया, ये लोकल में ही ऑफलाइन डिलीवरी करते थे, ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था। लेकिन उस टाइम क्या ऑनलाइन वाला सिस्टम, ई कॉमर्स वाला ऑनलाइन वाला सिस्टम धीरे धीरे उठ रहा था, लेकिन कुछ महीने तक तो ऐसे ही काम करते रहे। फिर इन्होंने जो इसके की फाउंडर है बोहरा जी और टंडन जी, उन्होंने सोचा कि यार अब ई कॉमर्स में अपने को घुसना है, मतलब और बड़ा करना है कंपनी को। तो उन्होंने पहला ई कॉमर्स क्लाइंट साइन करा इसलिए करा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब ये ऑनलाइन मार्केट बढ़ता ही जा रहा था, ग्लोबल इन्वेस्टर बढ़ते जा रहे थे। ग्लोबल इन्वेस्टर बोले तो बाहर के लोग भी अपना दिलचस्प दिखा रहे थे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने पहला ई कॉमर्स क्लाइंट साइन करा 2011 में ही साइन करा, उनका नाम था अर्बन टच, जो ऑनलाइन ये ब्यूटी के जो प्रोडक्ट आते हैं उसके रिटेलर थे, उनके साथ साइन करा पहला। फिर ऐसे करके धीरे धीरे ई कॉमर्स के जितने भी और अदर ब्रांड थे, उधर साइट है, उनसे ये मतलब अपना एग्रीमेंट साइन करते गए और काम साथ में करते गए। सबसे पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट 2019 में सॉफ्ट बैंक ने इसमें किया डिलीवरी में, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, $413 मिलियन सॉफ्ट बैंक ने इसमें इन्वेस्ट किया, सबसे पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट था ये, ठीक है 2019 में हुआ था। 2019 में ही डिलीवरी जो थी वोल्वो डिलीवरी के साथ भी इसकी पार्टनरशिप हो गई, वो ट्रक्स इसमें चलने लगे, शुरू से नहीं था ये मामला, ये ट्रक्स इसमें चलने लगे, अभी तो खैर और भी ट्रक्स चलते हैं। तो ये कुछ ऐसी छोटी मोटी हिस्ट्री थी इसकी, और इस तरीके से जो है इनका मामला ऐसे करके चलता रहा। और वैसे देखा जाए तो बताने को तो बहुत कुछ है छोटी छोटी बातें इसके बारे में, लेकिन एक जनरल सी हिस्ट्री ताकि आपको नॉलेज में रहे इसलिए मैंने अभी बता दी, बाकी वो 10-15 मिनट लग जाएंगे उसमें। अब वीडियो को शुरू करते हैं, अब आप मेन चीज़ देखिए मज़ेदार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। भाई इतने मतलब 6 महीने से आप लोग जो बोल रहे थे डिलीवरी, ये रहा डिलीवरी का ट्रक मिल गया है भाई हमारे चलाते, क्या नाम है आपका? रईस भाई मोस्ट वेलकम। आपका क्या नाम है? तस्लीम भाई। रईस भाई और तस्लीम भाई जो है इस ट्रक को चलाते हैं, वॉल्वो का डिलीवरी FM 420 ट्रक है। सबसे पहले मैं इंजन के बारे में बता दूं आपको, इसमें भाई इसके जैसा इंजन किसी ट्रक में नहीं आता है। बाकी बाहर जो स्कैनिया के चलते हैं वो तो है ही थे, लेकिन इंडिया का सबसे पावरफुल ट्रक ये है जो वॉल्वो का डिलीवरी का ट्रक आता है, 12,800 cc मतलब 12,800 cc का इसमें इंजन आता है। इसका 420 मॉडल नंबर है, मतलब 420 की हॉर्स पावर आती है, 420 की इसमें हॉर्स पावर आती है, 2100 NM का इसमें टॉर्क आता है। अब खड़े पे हूँ, मतलब अभी मिले हैं, जाम में लगे हुए थे भाई,
तो मैं सबसे पहले उनसे मिलवाता हूँ, आपको ट्रक दिखाता हूँ, पूरी चीजें बताता हूँ। भाई को क्या फुल तैयार हो यार, खड़े हुए भाई अपने चश्मा में लगा के, मेन चलाते रईस भाई हैं और तस्लीम भाई आप साइड में हैं। तस्लीम भाई हाई में चलते, सबसे पहले प्रोफाइल की बात करें अपन, फ्रंट प्रोफाइल ही बड़ी जबरदस्त है, इसकी प्रोफाइल देखेंगे आप। ये कितनी हेडलाइट बड़ी प्यारी लगी हुई है इसमें, हैलोजन हेडलाइट ही है, ऊपर थोड़ी हेडलाइट वाइट आती है, फिर एयरबैग की एक में वो बहुत सिस्टम है, इसमें ये शीशे जो है बटन से सेट कर सकते हैं, ये अगर बारिश पड़ी है तो गर्म हो सकते हैं, ये बारिश पड़ी तो गर्म हो सकते हैं, ये बारिश नहीं रुकेगी, बारिश नहीं रुकेगी, बारिश अगर होती है तो ये गर्म करने का हीटर है इसमें शीशे में लगे हुए, मतलब अच्छा फॉग, अरे मतलब डिफॉगर वगैरह शीशे में लगे हुए, अंदर लगे हुए क्यों? कीमत खाली इसकी है 44,000। क्या बात कर रहे हैं आप, इसकी शीशे की कीमत है खाली 44,000 सिर्फ भाई, इसका जो बाहर का है ये सिर्फ 44,000 का है, सोचिए अब आप। तो ये टायर्स हैं इसके, मैं इस तरफ से प्रोफाइल आपको अगर दिखाऊं, ये देखो आप कितना खूबसूरत है ये देखने में, आगे से प्रोफाइल, आगे ग्लास लगा हुआ है, ये इसके वाइपर ब्लेड्स वगैरह, ये वॉल्वो की बैजिंग, ये FM लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रिल कितनी ज़बरदस्त है, हेडलाइट पूरी कवर है, इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाते हैं, और DRL टाइप वाइट भी चलते ना, सफ़ेद इंडिकेटर वहाँ चलते। अभी अंदर अपन बाद में चलेंगे रही था, पहले बाहर से दिखाते हैं ट्रक पूरा आपका। और ये टायर सेक्शन देखो आप, कितने जबरदस्त टायर लग रहे हैं, मैकव्हील कह सकते हैं अपन। और ये क्या है इसका एग्जॉस्ट, अरे बाप रे साइलेंसर नहीं, ये साइलेंसर होगा, अरे डीजल टैंक है, दो डीजल टैंक है एक उधर एक, तो यही मुझे यही कितने का लग रहा है, 500-600 लीटर का तो यही है शायद, नहीं 400 लीटर का, 400 लीटर का डीजल टैंक इधर और 400 का उधर है, और ये इसका एग्जॉस्ट, अरे बाप रे बाप, फिल्टर देखिए वहां लगा हुआ है फिल्टर, वॉल्वो पीछे भी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल एक जो बैटमैन की तरह ऊपर कैप लगा रहता है वो देखेंगे आप। और ये यहाँ का ये कौन सा कपड़ा मटेरियल रहता है, ये ट्रेलर है, इतना घोड़ा आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 × 14 टायर ये ट्रेलर है, एक बार ये भी मैं दिखाता हुआ चलता हूँ, और फिर अपन रईस भाई से अंदर की तरफ चल के बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पे ये गार्ड लगा के रखे ताकि कोई अंदर ना जाए, और यहाँ स्पेयर व्हील लगता होगा इसका, ये गार्ड लगा के रखे ताकि कोई अंदर ना जाए, स्पेयर व्हील लगता होगा, ये पीछे की प्रोफाइल वही, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ट्रक मिल गया है बहुत दूर। ये देखिए पीछे से प्रोफाइल पूरा पैक रहता है, सील पैक रहता है, जैसे आप देखेंगे तो इस टाइप की जो सील ये लगी रहती है, जहाँ से लोड होता है वहीं से सील लगती है, जो कंपनी में जाता है वहाँ पे इसकी सील उतर जाती है। 2011 में देखिए ये SAT साइड ट्रैक वगैरह कोई लिखा हुआ है इसमें। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे ये पार्किंग सेंसर आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 सेंसर दे रखे, रिवर्स कैमरा का भी कहीं दे रखा होगा, मैं पूछूँ रईस भाई इसमें रिवर्स कैमरा आता है, पीछे कैमरा लगा है पीछे। अच्छा अभी अंदर आके भी देखेंगे अपन इसमें कैमरे कहाँ कहाँ लगे होते हैं। इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, वो मुझे इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करने का टाइम नहीं मिला, मैं निकल के जा रहा था ढूंढ रहा था ट्रक, तो ये मुझे रास्ते में मिल गया, तो रिसर्च करने का टाइम नहीं मिला, इन्फॉर्मेशन और कभी भी दे सकता हूँ। और वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ, 25-30 मिनट का पहुँच गया, 2 मिनट में 2 पार्ट में बनाएंगे अपन, 2 पार्ट में डाल दूँ, कवर पूरी इन्फॉर्मेशन करना है इस वीडियो में अपने। अब देखिए आप स्पेयर व्हील यहाँ लगा हुआ है, डीजल टैंक, ये वॉल्वो के कवर, यहाँ पे भी हेडलाइट लगी हुई है, ये इसका स्टैंड वगैरह जहाँ लगा देंगे तो ये टिक जाएगा ट्रेलर जो पीछे का। ये एड ब्लू टैंक इसका बहुत बड़ा है, 800 लीटर जल टैंक, ये कैमरा और ये यहाँ पे इसका कैमरा दिया हुआ है, मतलब ये देखिए आप कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिकेटर वगैरह सब लगा के रखे। अब देखते हैं भाई आप, अब उधर से बैठी रहे भाई आप, अब अंदर चलते। देखो आप सबसे पहले गेट ही अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक लाइट आपको देखने को मिल जाएगी, ये स्टोरेज स्पीकर लगा के रखा है, लॉक एंड लॉक क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है यार इसकी, है नो स्पीकर है। और यहाँ की सीट देखेंगे तो आप इसी सीट में ये कैसा एडजस्टमेंट, इस तरीके का एडजस्टमेंट दे रखा है, पूरी चीज़ें दिखाऊंगा मैं कवर करके भाई, भले वीडियो 30 मिनट का क्यों ना बन जाए क्योंकि दोबारा मिलेगा नहीं। ये देखेंगे आप सीट, देखिए आप कितनी ज़बरदस्त सीट है इसकी, कैप्टन सीट। और ये देखिए रईस भाई जिस सीट पे बैठा होता है, नेक्स्ट लेवल की सीट है यार, सीट की कीमत 5 लाख रुपए है, सीट की कीमत 5 लाख नहीं यार बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, नहीं होता है इतना ही होता है, 5 लाख रुपए की सीट, आगे पीछे ऊपर नीचे कोई चीज इधर साइड में कर सकते हो। और पीछे तो देखो आप कंफर्ट लेवल, पीछे ये क्या गद्दा दिया हुआ है, बहुत बढ़िया है, शरीर नहीं दुखता बिल्कुल भी, बिल्कुल भी शरीर दुखता नहीं है। और ये बटन वगैरह दे रखे हैं, ये तो एसी दे रखे हैं 100 के लिए, पीछे स्टोरेज होगा, और ये मटेरियल देखो कौन सा इस्तेमाल किया इन्होंने, और ये स्टोरेज है यहाँ है सामान, अच्छा इसको रख दे दो, बड़ा अच्छे से खुला है यार ये तो, ये देखेंगे आप तो, ये देखिए कितना अच्छे से ये ओपन हुआ ये, अरे यार ये बार बार के देखा, चलो कोई नहीं वो तो अंदर करके बंद कर दो, चलो मैं कर दूंगा,
ये तो ये सिस्टम हो गया इसका। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो विंडो अप डाउन ऑटोमेटिक होती है। अभी जब स्टार्ट करेंगे तो भाई फंक्शन बता देंगे। डैशबोर्ड में यहाँ एसी आ जाता है, यहाँ एसी आ जाता है। 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट सिगरेट जलाने के लिए दे रखा। अरे रे रे रे, ये इमरजेंसी किस लिए है? अभी कनेक्शन नहीं है, इसको दबाओगे पुलिस आएगी। हाँ। कनेक्शन नहीं है अभी। अच्छा, अभी कनेक्शन नहीं है इसमें। हाँ, और ऊपर की तरफ इसमें सनरूफ भी दे रखा है शायद। खुलता है क्या? हाँ, खुलता है। एक बार खोल के दिखाऊंगा। अच्छा, रहने दीजिए, फिर रहने दीजिए। अगर अलाव नहीं है तो फिर अलाव नहीं है इसको। ये जैसे काल में होता है ना, तो फिर अलाव नहीं है तो इमरजेंसी के लिए है क्या? इमरजेंसी के लिए है यार। ताकि यहाँ से गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, गाड़ी पलटा ले जाती है। हाँ। वे इसलिए है ताकि यहाँ से निकल जाए ड्राइवर। ड्राइवर निकल जाए यहाँ से। और ये देखिए आप डैशबोर्ड यहाँ से कितना खूबसूरत। यहाँ पे ये कुछ रखने के लिए आइटम दे रखे हैं, नीचे भी स्पेस। और ये देखिए आप, अच्छा इमरजेंसी एग्जिट है। वॉल्वो के ट्रकों में आता ही है वैसे। और ये ऊपर लाइट भी जल रही है। इसको रात में चलाने बहुत मजा आता है। इसको बहुत जबरदस्त लगता होगा। यहाँ पे भी लाइट है। ये स्पीकर यहाँ दे रखा है। स्पीकर, ये साइड में कैमरा है। हाँ, साइड में कैमरा दिखा भाई ने। एक, हाँ। दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात स्पीकर लगा हो गए। सात आठ स्पीकर लगा के रखें क्या? हाँ, और यहाँ पे क्या क्या चीज बन जाती है? एक ये है साइड जी, ये लाइट अंदर की लाइट का है। ये जो ये सारी लाइट है। अच्छा, ये और ये जो है साइडों में जब घूमती है, देने को घूमती है तो देने को जलती है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक चलती है मतलब? ऑटोमेटिक लाइट जलती है। अच्छा, साइड में जब स्टीयरिंग काटते हो तो उधर की लाइट जल जाती होगी। वो कार के जैसा फीचर, वहीं को काटोगे तो वहीं की जलेगी। और ये ऊपर साइड में दिखाई दे जाता है, इसमें डिस्प्ले में दिखाई देगा। हम भाई को काटेंगे। ये अगर साइड में गाड़ी में प्रदूषण करोगे, बीड़ी वाड़ी पियोगे तो ये बोलेगा, आवाज करेगा। ये क्या बात है, ये आवाज करेगा? ये आवाज, बीड़ी अगर पियोगे बैठ के तो ये आवाज, सिगरेट पियोगे तो ये आवाज करेगा। प्रदूषण के लिए, प्रदूषण के लिए। ऊपर भी स्पेस दे रखा है वहाँ पे भी। और ये इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है? ये इसमें ऑटोमेटिक है, मैनुअल है। नहीं, मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक है ना? हाँ, ऑटोमेटिक है। ये ए पे लगाओगे ऑटोमेटिक, एम पे लगाओगे मैनुअल, ये एन पे न्यूट्रल, आर पे रिवर्स। और ये मोड चेंज कर सकते हैं। ये इसमें रिवर्स में भी चार गियर है। इसमें रिवर्स में भी चार गियर है? चार गियर है। अरे क्या बात है यार, ये तो बड़े आगे आगे पड़ रही है। आगे के जो है वो 12 गियर है। ये साइड में ये है पर्दे, अलग पर्दे दे रखे हैं। ये साइड में, साइडों में कर सकते हो ये। अपन तो कमरे में आ गए, बिल्कुल बेहतरीन। एक मिनट रुकना, एक मिनट। आप ये देखिए आप। ये तो लग रहा है कमरे में बैठ गए अपन चल के। ये वापस ऊपर चला के वहां से बटन वगैरह, वो एक जो दे रखा है वहाँ पे जरा सा बड़ा। तो पीछे देखिए हैंगर वगैरह दे रखा है। ये ब्रेक टांगने का, कुछ ब्रेक टांगने का। अच्छा, ये टच वाली लाइट। हाँ, ये टचिंग लाइट है। ये खाली टच करो ये। और यहाँ पे बहुत कंफर्ट लगता होगा आप एक इंसान बैठ के देखो। इस पे बैठ के देखो, इस पे स्प्रिंग है लोहे के, इसके अंदर लोहे के। हाँ, स्प्रिंग बैठ के देखता हूँ मैं। इसके स्प्रिंग है इसके अंदर। और यहाँ से भी देखो आप, क्या जबरदस्त प्रोफाइल लग रही है इसकी। ये देखो हम दोनों भाई बैठे हैं। बड़ा जबरदस्त बोलते हैं। और भाई तो घर जैसा फील आता होगा बिल्कुल इसमें। बिल्कुल कोई थकान नहीं होती, कोई थकान नहीं होती चलाने में। एकदम कार भी कंफर्ट लगता होगा ये। 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर आदमी चला सकता है इसको। 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप चला सकता है? बिल्कुल। और यहाँ पे जो है इसकी चाबी लगती है। ये चाबी लग, चाबी दिखाइए ना इसके ऊपर। यहाँ चाबी लगती है, ऑन करो। ये भी डिस्प्ले है। अच्छा, ये डिस्प्ले है। अरे ये डिस्प्ले इसकी ऐसी आएगी। ये भी डिस्प्ले। क्या क्या फीचर आ रहे हैं यार इसमें तो यार। मतलब ये खाली अभी इग्निशन ऑन हुआ है इसका। ये ऑन हो गया। इसके तो फीचर बहुत सारे होंगे, इतने होंगे कि क्या बताएं। इसमें स्टीयरिंग, यहाँ से आप उसको फीचर्स को इधर उधर कर सकते हो। मतलब स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, स्टीयरिंग देखिए आप कितना खूबसूरत है। और ये देखिए आप, यहाँ पर रिवर्स कैमरे वगैरह सब। ये जो है जैसे चढ़ाई पे चढ़ती है गाड़ी, रुकती नहीं है। इसको दबा दो, 5 सेकंड तक रुकी जाएगी खुद ही। ठीक है। और ये 4x4 का है ये जी। ये अगर कहीं जैसे कीचड़ में फंस गई है तो इसको चारों टायर खींचने का, 4x4। हाँ, ये बन जाएगी। ये ट्रैक्शन कंट्रोल होगा। हाँ, ये बराबर करने का ट्रेलर। ट्रेलर बराबर करने का मतलब? उठा के दिखा दो, पीछे को ट्रॉली उठ जाती 2 फुट। ये दो कम से कम, ये रिबॉन्ड है। अभी मत करिएगा, अपन नीचे उतरेंगे जब दिखाइएगा आप। ये 3 फुट उठ जाती है ताकि मेहनत नहीं पड़े ट्रॉली उठाता हुआ। यहाँ से बताइए बटन क्या था वो? ये बटन, ये बटन है ट्रेलर ऊपर करने के लिए। ये उठ रहा है। अरे बंद हो रहा है उसे, उठ रहा है नीचे से बेहतर दिखेगा। एक मिनट में दिखाई देता हूँ ना यार। भाई मैं चाह रहा हूँ कि भाई लोगों से दोबारा मुलाकात हो या नहीं हो, मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि डिलीवरी के ट्रक इतनी आसानी से देखने को मिलते नहीं है। मैं अपन नीचे जा रहा हूँ, फिर आप बताइएगा उसमें कैसे क्या उठता है। नीचे करो उसको। हाँ, अभी मत करिएगा नीचे। मैं पहले कहाँ से दिखेगा ये?
ये यहीं पे दिख जाएगा ये सब। ये भी होगा पूरा, ये भी साथ में? नहीं ये नहीं होगा, खाली पिछला हिस्सा। खाली पिछला हिस्सा होगा तो इधर से देखते हैं अपन। देखिए आप करके देखिए, जैक उठाने के लिए है। हाँ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। अपने आप ऊपर उठ जाएगा, अपने आप ऊपर उठ जाएगा, ऊपर डाउन करने के लिए। अब नीचे हो जाएगा, आप दिखा देंगे दोस्तों, ये अब नीचे बराबर हो जाएगा। अरे वाह भाई, और यहाँ पे ये नीचे करना और नीचे भी हो जाएगा, और नीचे भी हो जाएगा। और ऑटोमेटिक भाई। और यहाँ पे देखो आप, तो देखो सीट में यहीं पे कितने फीचर मिल जाएंगे आपको। ये देखो आप, ये ऊपर नीचे का है। हाँ। ऊपर करना है, इसको नीचे कर दो, नीचे हो जाएगी सीट। हाँ। ये उसका है, ये ऊपर फुल ऊपर हो जाएगी। ये अगर तुम कमर में ज्यादा हवा भरना चाह रहे हो तो इससे हवा भर लो, कमर में हवा भर जाएगी। हाँ ये देख, इसको फुलाना चाह रहे हो। हाँ फुल रहे। हाँ, फुल जाएगी इसको, हवा। मैं बता दूं लंबर सपोर्ट बोलते हैं जो कार में आता है, जिससे कमर दुखती नहीं। हाँ, और फुल जाएगा तो लंबर सपोर्ट और अच्छा हो जाएगा। और भाई ये तो यार फुल एज वाली लाइन है, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर दे रहा है। और ये देखिए इसके पेडल है, सिर्फ वो तो होगा नहीं, क्लच नहीं है बाकी। तो ये क्या चीज है? ये स्टेयरिंग ऊपर नीचे दाएं बाएं करने का है, स्टेयरिंग ऊपर नीचे दाएं बाएं करने का। और ये जो यहाँ पे दे रखा है राइस भाई, ये जो प्लेन में आता है। हाँ वो है ये। आप अंदर बैठिए ना, आप जो बाहर से था अपन ने कर लिया पूरा। आइए, आपका नाम नहीं पूछा अपन ने। मैं नाम राशिद पाशा। राशिद भाई, राशिद भाई, रईस भाई और तस्लीम भाई उधर जा चुके हैं। भाई देखो पूरी चीजें कवर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा मेहनत लगेगा, हालत खराब हो जाएगी, हालत पे मत जाना। अब उधर से जो थोड़ी बहुत ये मटेरियल देखेंगे आप, तो ये मटेरियल खुद बहुत अच्छा यूज करा हुआ है इस ट्रक में। ये देखिए कितना सॉफ्ट मटेरियल है और कितना जबरदस्त है ये, मतलब हीटिंग वीटिंग का कोई इशू आता ही नहीं होगा इसमें। ये दे रखा है ये जी, ताकि आदमी बंदा सोए। ये चीज जो है ब्रेक ले जोड़ते ब्रेकर आता है, ताकि बंदा आगे नहीं जा पाए। अच्छा बंदा आगे ना जा पाए जब अपन चला रहा हो, नींद में सो रहा हो, मतलब इतना ख्याल भी रखा है। सपोर्ट हो गई है बेहतरीन। ब्रेक मतलब ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है। जो कैमरा ये हवा मुझे ऐसा लग रहा है नीचे से नहीं आ रही पूरा आगे। आप आइए डिलीवरी में। हाँ। जब दिल करे जब डिलीवर अपने घर जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या सैलरी हो सकती है इसमें? बहुत एक्सपीरियंस जो कंपनी गाड़ी निकाल रही है। हाँ। इस कैमरे कोई गाड़ी आएगी कंपनी की नहीं है, डिलीवरी कंपनी है। हाँ। उसकी नहीं है। हाँ।